चलो 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 चलो, बैठने लगी बैठने लगी बैठने लगी। चल 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 चल, ए बैठी। हाय 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 हाय, गुड हो गया बाबा, ये गुड हो गया, ये तो कंफर्म हो गया ना। ये चीज रे अजीज, घुमा रही है ए नीचे अंडे को ए सही ए, तरह, ये नीचे घुमा के अपने नीचे कर रही है। ये गुड, चल बात चल गयो। चलो अब यार, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम जबरदस्त। तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। इतनी जल्दी मैं ब्लॉग में इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है। हमारी मुर्गी ने जो है वो कुड़क मल लिया भाई। यार वो हुआ ऐसा सीन है, जो हमने अंडे इकट्ठे किए जो अंडे इकट्ठे किए थे भाई, वो खा लिए इन्होंने सारे। कितने ज्यादा अंडे थे यार, 2-3 दिन में ही खत्म हो गए हैं यार। मुझे समझ नहीं आई यार, मैंने कहा था कि कुछ बाहर से ले आना, कुछ इधर से खा लेना करना, पर पड़े जरूर होने चाहिए। तो वो आज दोपहर की जो है वो एक या दो अंडों पे मुर्गी मेरी बैठी हुई है। मैंने उसको अच्छी तरह हिलाया, वरना वो तो हाथ लगाते थे तो भागती थी, डरती थी बहुत ज्यादा। बट अभी क्या सीन हुआ है कि मैंने उसको हाथ लगाया दो दफा ठाने को, ऐसे ऐसे हिलाया, मैंने कहा जाग जा, पर वो बैठी हुई है पक्की हो गई। तो इसका मतलब है कि कंफर्म उसके नीचे जो है एक या दो अंडे जरूर हैं। तो सिर्फ दो अंडे मेरे पास ऊपर पड़े हुए हैं। मैंने अवैस को कॉल किया, अवैस आ रहा है, ठीक है। मैं अवैस से पूछता हूँ कि जो दो अंडे ऊपर पड़े हुए हैं और शायद एक या दो उसके नीचे हैं, तो ये दो और दो चार रख देते हैं, फिर अल्लाह मालिक है, अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, जो बेहतर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि भाई होता वही है जो बेहतर होता है हमारे लिए। अब ये है कि मुर्गी तो मली हुई है कुड़क उसने। अब मैंने वैसे सिर्फ इतना पूछना, मुर्गी को नीचे ले आऊँ, अंडे नीचे ला के मुर्गी को उठा दूँ, या ऊपर ही उसके पास अंडे रख दूँ और उसको उठा के दो अंडे वो भी नीचे कर दें, तो पता लग जाएंगे कितने अंडे हैं। तो आज डेट भी नोट कर लेंगे, आज तकरीबन में 2 तारीख है, तो आज से 20 दिन बाद, मतलब कि 19 दिन नहीं, हाँ 20 दिन बाद हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि यार होपफुली अच्छा ही हो जो हो। अभी अवैस आ रहा है तो उससे डिस्कस करनी है भाई। मैं क्या अर्जेंट आपको खुशखबरी दे दी जाए, साथ व्लॉग भी शुरू हो जाएगा। तो भाई अब अंडे तो थोड़े हैं, बट ये है कि उसने कुकुर मार लिया, तो अब देखते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अवैस आ जाए बस। चौधरी वैस अंडे दे दे मुझे, तेरी मेहरबानी है। नहीं जी, वो मुर्गी बैठी है हमारी, ठीक है, चेक करनी है, हो गई, पता लग गया तेनू कुड़क हो गई है। तो बल्ब मेरा टूटा था, मैं छड़ना नहीं, ओने पुड़क नहीं फोसर तेरे मुर्गियां मुर्गे आ गए ना, बंदा की करे, मेरी मुर्गियां जाके वेल। अब भाई यार तेरे अरसा हो गया, मैं हाले भी मैं यार कोल जाना वा ना, ते ओ जड़ी जे कह रहे ना, ओ हाले भी लत चुकी उन्हें, वे ओते लत चुकी गई है, एक लात ना गई है, एक लात ना क्यों जा रहा ने। वैसे वो एक्सरसाइज कर रही है ना, ओए केड़ी वेट बढ़ गया था, वैसे वो वेट घटा रही है। अब बाहर काटना इन्हें, इन्हें बाहर काट ले। हां ते तेरा आयो आयो आयो, आ गए आ गए आ गए, बाहर आ गए। मुर्गा पैंदा ही उस्ताद, मुर्गा पैंदा ही, मुर्गी नु फड़ो दे। वो आज मेरे मुर्गे ने मन्नू मारिया बदतमीज ने, उन्हें शर्म ही आई नहीं आगे, जो अपन छोड़ के नहीं यार। अबे दौड़ आई बदतमीज है, ओए यार बाकी बड़े बदतमीज है पे आजकल, मुर्गा पैंदे ही उड़ू 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 पैंदे ही। ताज फड़े यार ने पैना है, कितने कमजोर कितने ये मुर्गियां, दो अंडे दो आद बाग खोया प्यार करना नु खाना। ये देख कर? अगर देसी मुर्गी लेके आनी है ना, ये इसकी आंख देखी है, ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की आंख वाली लाओ, डेली अंडा देगी। अच्छा बहुत काम नागे करेगी, ऐवे कोई अंडे दे दे के वो ना दे, कमजोर हो गई है। ओए उन्हें बाहर आन दे यार, उन्हें बड़ी है। जा रहे हैं बॉक्स लेने, छोटे वाला, बड़े वाले पे नहीं बैठना, तो वो पिंजरे में हम एंटर कर देंगे, फिर उसके ऊपर उसको मतलब कि अंडे उंडे रख के। यार तू इधर से बुलेती लेने की बजाय, बुलेती लेने की बजाय तो दो देसी अपने से दे दें, वो मैंने अपनी मुर्गी का। तो जब मैं बताता हूँ तू चल, मैं इसे दो देसी अंडे ले लेना। यार दो देसी अंडे नहीं दे सकता भाई को, क्या हो गया मेरे खत्म हो गए। मैंने कहा मेरे से दो दिन बाद तू चार ले ले, कोई इशू नहीं।
मेरी बात सुन, अगर हम इसको बैठा देते हैं 21 दिन का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा वो तो बीच में अंडर करने हैं। हमने इसे इसके अंडर पे बैठाना ही नहीं है, हमने दो बार बैठाना है, खाली कोई उन्हीं पे बैठाना है, इनके अंडे सारे इकट्ठे रखेंगे जब अभी नहीं रखने, मतलब कि इसको सिर्फ वो कहते हैं डाच कराना है। हाँ पक्का करना है, डाच कराना है, पक्का करना है, पक्का करना है। दो वाली है, दो महीने का दो ही देते बड़े ने यार। अच्छा बनते तो हाफ हाफ थे। अच्छा दो मुर्गा दिया है तो हाफ हाफ बने। ये मैं तुझे दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाया है केज। अच्छा ये केज, अच्छा ये उसके लिए दरवाजा लाया था। हाँ ये फ्रेम इसके लिए लाया था, ये फ्रेम ला के टीवी ट्रॉली है ना ये। हाँ टीवी ट्रॉली है। चल गया साथ वैसे यार, अच्छा हो गया। रख दूंगा इधर, मेरे अंडा देने के लिए जगह बन जाएगी, मेरी मुर्गियां इधर दे लेंगी अंडा। हाँ इधर अंडा भी दिया जा सकता है और इधर मेरे ख्याल से मुर्गी को बिठाया भी जा सकता है। हाँ बिठाया बिठाया जा सकता है, बिठाया भी जा सकता है। वो मेरे पास पड़ा हुआ है इसका ना अब तो वैसे भी मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ पड़ा तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। ये देखना मेरी ये मुर्गी भी है ना। हाँ वो डेली अंडा दे रही है, वो इसकी आईज देख ब्लैक है। चलो वो पकड़ो फ्रेम फिर चले। अच्छा उसके लिए ना मैंने वो उनके पास जाना, शायद मैं उस बंदे से भी मिलना था, वो इधर नश्तर में ही रहता है अपने, तो मैंने कहा चलो कोई हिसाब ताब लगेगा ना। लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है वो। ओ यार अगर मेरा ना उसको मैंने कहा था कि भाई मैंने ज़ेब्रा फिंच रख ले इससे अच्छा। हाँ ज़ेब्रा फिंच भी देख ले, वो थोड़ा है कि वो बर्दाश्त कर लेती है गर्मी। चलो देख भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पिंजरा कह रहे हैं, जो हमारा डब्बा है वो आ गया, ये छोटे वाला हम ले आए हैं, तो मुर्गी जो है वो फिर वो उधर ही आके बैठ गई जिधर पहले बैठी हुई थी। अब इसको हम अंदर रख देंगे, अंडे हम बलैती ले आए हैं सिर्फ उसको एक्टिव करने के लिए, उसको एक्टिव करेंगे और उतनी देर में हमारे पास अंडे हो जाएंगे और देन फिर इंशाल्लाह दो दिन बाद इंशाल्लाह हम उसको बैठा देंगे। तो बस आई होप अच्छा ही होगा। आप लोगों ने भाई दुआ करनी है, उससे पहले मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगा, बस आपने दुआ करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे चूज़े निकले हैं, बस यार रौनक लग गई, मज़ा आया, चूज़े के साथ अपना ही मज़ा है। चलो किन्नी क्यों तेनू ले जा, चूज़ों के नीचे ने डाली हुई। हाँ हाँ सही है, ले जा उनके लिए ले जा, कोई नहीं ले आ, तोड़ा दे रही बस। यार थोड़ा बड़ा कीमती तो नहीं पता। अच्छा वो थोड़ा नहीं लगता मैं इसके साथ पहले लेके आ। किसके साथ की एक मिनट, नहीं तूने अब अंदर जाना है। हैं क्या, किसको साइड पे करना है? इसको उधर काट दूंगा ना। मुर्गी को नहीं, इस ये टोकरी को काट दे, कुछ नहीं होगा, हाथ से पकड़ के इधर कर दे। और यार तुझे इतना मुझे पता है अपने उनका की हो गए, इतना कुछ आइडिया है यार चौधरी की हो गया। देख मतलब कि पहले ये बहुत ज्यादा डरती थी, इसके तू इतना बात कभी भी नहीं जा रहे ने जितना वो डरती सी, हाले वो डर रहे ने। स्वाद मुर्गा पहले नहीं पड़ता था, एकदम ही पड़ना शुरू हुआ। ये टैलों के ऊपर रखेगा इसको? हाँ। अच्छा अच्छा तो सही है, चल और नहीं उठेगी साथ। अंडे मेरे पास है, बस वो दो पे बिठाना है इसको। हाँ, ला अंडे की तरह।
चापर समेत ही रहा जाली लेके आनी है या इसी तरह उन्हें अंडा तोड़ के खा जाना ही है ना मैं तो दाल जाना था चलो ठीक है रखते थे तब हमने अंडे रख दिए हैं फोनों को देख रही है है चलो 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 बैठने लगी चल 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 बैठी हाय 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 गुड हो गया बाबा ये गुड हो गया ये तो कंफर्म हो गया ना मन ये चीज रेजिस ए ए ए ये नीचे घुमा के अपने नीचे कर दिए ये गुड चाबा जा गयो चलो अब यार लाइट अभी मैंने इसकी बंद कर दी है ठीक है क्योंकि थोड़ी हीट हो जाती है फिर मैं बंद कर देता हूँ ये नीचे करेंगे ना हीट से तो सही हो जाता है काम बट ठीक है अब उम्मीद है कि इसको मुर्गा तंग ना करे नहीं अब नहीं करता बट ठीक है अब नहीं करता वो नीचे बैठी हुई थी ना उधर तंग करना था ये बॉक्स के अंदर बैठी हुई उधर तंग नहीं करेगा इसे माशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अंडे दो बाइट्स ले गए थे प्रोसीजर जो है वो हमने कैसे किया कि अवैस कह रहा था अभी फिर उसकी वही साइकी के यार अभी पूरी तरह कुर्क नहीं हुई हालांकि काफ़ी हद तक हो गई है वो तकरीबन 98% तक 2% आप कह सकते हैं नहीं हुई क्योंकि वो डर के उठ जाती है ठीक है जब उसके पास जाते हैं पकड़ते हैं उसको तो तब उठ जाती है बट हमने क्या किया हमने दो बाइट्स अंडे लिए हैं ठीक है वो हमने उसको कुर्क मतलब के पक्का होने के लिए हमने वो दो अंडे रख दिए हैं उसके ऊपर वो आपने देखा बैठ भी गई है ठीक है अब क्या करना है कि हमने चार मेरे पास हैं तीन चार वो दे देगा ठीक है तीन चार मेरे पास और आ जाएंगे तकरीबन मेरे पास 10-11 अंडे हो जाएंगे जब 10-11 आ जाएंगे वो दो हम लैती निकाल लेंगे क्योंकि उसमें से बच्चे तो निकल लेने और बाकी जो हमारे पास देसी अंडे ना वो सारे हम नीचे रख देंगे और वो नीचे रख के इंशाल्लाह फिर उसमें से हमारे जो है वो बच्चे निकलेंगे अल्लाह करे वो सारे के सारे निकलें जो भी होगा वो फिर टाइम के साथ हमें पता लग जाएगा इंशाल्लाह अब परसों जो है ना आज जुम्मा हफ्ता इतवार वाले दिन हम इंशाल्लाह ये काम कर देंगे अब ऐसा मैंने पक्का करके भेजा कि भाई ये करना है हमने तो ये सारा प्रोसीजर था आज बहुत बड़ा मज़ा आया यार पूरा सेट देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे मुर्गी देख के ये तो कन्फर्म हुआ ना कि यार उसने कुछ मलना ही मलना है अंडे देख के बैठ गए अंडों पे तो भाई अब ये सिस्टम तो हो गया अल्लाह खैर करे आप देखते हैं क्या बनता है परसों तक अब वेट करना पड़ेगा हमें अभी फिर मैं अब ऊपर जा रहा हूँ ठीक है एक जो काम करने वो कर ले खाना नहीं खाया खाना खा ले और मुर्गियों को जो है मुर्गियों की लाइट बंद कर दो कीट अच्छी होगी थी तो वो तोते देख के मुझे बोल रहा था कि तुमने जो स्टिक जो है वो सही तरह नहीं लगाई हुई स्टेडियम में ठीक है उसको जो हमने इधर शिफ्ट कर दिया था तो वो कह रहा था तुमने स्टिक सही नहीं लगाई हुई आया हुआ था तो उसने एक स्टिक लगा दिया उसको ठीक है कोने पे वो देखे सेट करके गया अपने अपने हिसाब से बट ये है कि उसने स्टिक लगाई है मैं भी कोशिश करूँगा एक मजबूत जो स्टिक है ना वो लगा दूँ ठीक हो गया इनका भी जो है वो ब्रीडिंग का जो है वो टाइम आ गया ये फरवरी मार्च में ये ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं कॉकटेल भी तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका भी जो है ना वो सिस्टम देखो इनकी ब्रीडिंग का क्या हिसाब किताब है इनको भी हम ओके करेंगे तो अभी लाइट बंद कर देता हूँ और सुबह देखते हैं क्या हिसाब किताब लगता है तो भाई अब मैं खाना लगाऊँ खाना यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई के चैनल पे नए हो तो ये छोटा सा ब्लॉग था काफ़ी मज़ा आया मुझे तो भाई और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें भाई को लाजमी दुआओं में याद रखा करें खुदा हाफिज़।